इस्तकबाल है दोस्तों आपका आपके ही अपने YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल का आइकॉन दिया गया है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का जो है तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहरम बाराडा इज्तमा के बारे में जो 2020 के अंदर 28, 29, 1, 2 मार्च को जो है तो मुनाकिद किया जा रहा है उड़ीसा के अंदर। उसका पूरा जो है तो मैप आ चुका है दोस्तों सामने, और मैप सामने आ चुका है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इज्तमा के अंदर बड़ी तादाद में लोग शिरकत होने वाले हैं और ये एक आलमी इज्तमा जो है तो बन जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं दोस्तों। बहुत सारी जमातें यहां पर खिदमत की गर्ज से जा रही है, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, ये बात का ख्याल रखें। और अगर आप आसपास उड़ीसा के कुछ एरियाज़ के आसपास या जगह के लोकेशन के आसपास हैं तो वहां पर पहुंचने की कोशिश करें और वहां पर जो है तो काम करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट ये है कि वहां काम हो जाए और आने वाले मेहमान ने तौहीद जो वहां पर इबादत के लिए आ रहे हैं उसमें भी आपका थोड़ा बहुत सिला आपको मिले। दोस्तों जिस तरह से वहाँ पर शुरुआत में अगर बात की जाए वजू खाने की, तो वजू खाने बहुत सारे बनकर तैयार हो रहे हैं और बहुत सारे अभी बनाने बाकी है। दूसरी बात की जाए दोस्तों बैतुल खला के बारे में, तो बैतुल खला बहुत सारे जो है तैयार हो चुके हैं लेकिन अभी भी बहुत सारा काम वहाँ पर बाकी है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है तो वजू खाने की अगर बात की जाए तो वजू खाने मुसलसिल बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर कम से कम 10 से 15 लाख लोग आने वाले हैं, और 10 से 15 लाख लोग एक साथ अगर वजू करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है तो वजू खानों की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों यहाँ पर जो है तो ये काम चालू है। बात करेंगे पिंडाल की, तो दोस्तों अभी जब जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कैसी तस्वीरें हमें वहाँ पर से मौसूल हुई हैं, तो अभी पिंडाल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो धीरे 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 जैसा कि पिंडाल बनेगा तो आपको और भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें अभी वहाँ पर बाकी हैं और काम की ज़रूरत से अगर आप वहाँ जाते हैं, खिदमत की ज़रूरत से अगर आप वहाँ जाते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया का होगा। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है तो अभी भी वहाँ पर निरीक्षण चालू है और बहुत सारी जगह जो ऐसी है जहाँ पर जो है तो पिंडाल नहीं पहुँच सकता है, लग नहीं सकता है, तो वहाँ पर जो है तो ज़मीन का काम, मिट्टी डालना और बहुत सारे ऐसे काम वहाँ पर चालू हैं। तो दोस्तों इस सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर आप आसपास हैं तो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें, और अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो दुआ ज़रूर करें और कमेंट में आमीन ज़रूर करें कि अल्लाह ताला इस सब चीज़ों को कामयाबी दे और बहुत जल्दी ये जो है तो इज्तिमा के दौरान जो तो हमें आसानी से वहाँ पर इबादत का मौका मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि एक तरह से देखा जाए तो इज्तिमा का भी जो है तो थोड़ा बहुत हमारे तरफ से जो है तो सबको मालूमात हो जाए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।